22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने जा रहे हैं। इस समारोह को लेकर देश भर के लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग इस दिन को दिवाली के रूप में मनाने के लिए लगे हुए हैं। जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहा है, वैसे ही भगवान राम से जुड़े ध्वज की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। अंबाला शहर के सबसे प्राचीन हनुमान मंदिर के बाहर लगे झंडों को लोग खरीद कर अपने घरों में लगा रहे हैं। इस बारे में जब दुकानदारों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि आजकल छोटे से लेकर बड़े झंडों तक लोग अपने घरों के लिए लेकर जा रहे हैं। बच्चों में इतना उत्साह है कि वो अपनी साइकिलों पर लगवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 22 तारीख उनके लिए दिवाली है और जिस प्रकार दिवाली से पहले ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है, इसी तरह आज भी लोग झंडे लेने आ रहे हैं और दुकान पर भीड़ लगी रहती है। मेरा रॉक्सी बनवाल है। झंडों की जो बिक्री है बहुत ज्यादा बढ़ रही है। लोग बहुत ज्यादा जो है झंडे लेके जा रहे हैं बड़े से बड़ा। हमारी जो दुकान है हनुमान मंदिर मीराबाई चौक रेलवे स्टेशन अंबाला शहर पे है और ये शहर की बहुत पुरानी दुकान है। यहाँ पर बहुत ज्यादा श्रद्धालु आ रहे हैं। बड़े से बड़ा महाराज जी का श्री राम जी का ध्वज लेके जा रहे हैं और हमारे को ध्वज बहुत कम पड़ गए हैं। ये ध्वज बाहर से मंगवा रहे हैं हम। तो मेरी तो यही है कि भी लोगों की आस्था जो है बहुत ज्यादा बढ़ रही है और 22 तारीख को जो श्री राम मंदिर में राम लल्ला जी की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा का जो समारोह है वो लोगों के अंदर उत्साह देखने को मिल रहा है और आज भी जो है बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में ध्वज जो है वो बिक्री में जाए जा रहे हैं। जय श्री राम। इस बारे में जब ध्वज लेने आए ग्राहकों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि 22 जनवरी को भगवान राम अपने घर आ रहे हैं। इस दिन को हम दिवाली के रूप में मनाएंगे, ध्वज लेकर अपने घरों पर लगाएंगे। उनके आने से पहले ही पूरे देश में एक अलग ही उत्साह है। बोलना। नमस्कार जी, मेरा नाम केशव है और आज मैं यहाँ झंडे खरीदने आया था 22 तारीख के लिए, क्योंकि 22 तारीख में अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। उसी खुशी में आज हम झंडे वगैरह लेने आए थे। कितना उत्साह है, कैसे मनाएंगे इसे? हम एक दिवाली के रूप में मनाएंगे इसे, एक छोटी दिवाली के रूप में हम मनाएंगे क्योंकि राम मंदिर 500 साल बाद अयोध्या में बन रहा है। इस तरह क्या नाम है आपका? झंडा खरीदने आए हैं? नाम मेरा 22 तारीख को हमारे रामचंद्र जी हमारे घर आ रहे हैं। हमें बड़ी खुशी है और इसी खुशी में हम ये झंडा लेने आए हैं। बहुत ज्यादा खुशी है। कितने प्रकार के झंडे जो है? हमने कई प्रकार के लिए जी, रामचंद्र जी के झंडे, राम जी हनुमान जी का परिवार, राम जी के हनुमान जी के उनके परिवार का, कई तरह के हमने झंडे लिए हैं जी। हमें बहुत खुशी है ऐसी। अपने आसपास से जुड़े ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए देखते रहे अंबाला ब्रेकिंग न्यूज। हमें फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और अपने एप्पल और एंड्रॉइड मोबाइल फोन के प्ले स्टोर से हमारी ऐप अंबाला ब्रेकिंग न्यूज डाउनलोड करें।